पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो ये अभी हादसा हुआ है, ये हादसा, ये जो मकान है 1990 का बना हुआ है, और गलती वो मकान मालिक की है, लोगों की है कि ये जो गटर का जो बाउंड्री है, कम से कम उतना ध्यान रखना चाहिए लोगों को कि 2 फुट के लिए अपनी जान को जोखिम में कर रहे हैं। आज प्रशासन इसलिए इतना ध्यान नहीं देती कि गरीब लोग रहते इसलिए उसको ध्यान नहीं देते कि भाई चलो गरीब आदमी घर बना लिया, इसीलिए कार्रवाई नहीं करता प्रशासन। हाँ, और इतनी खुद की है, जो लोग यहाँ रहते हैं जो घर बनाते हैं उनका काम था कि ये दीवार के ऊपर कम से कम 5 फुट छोड़ के घर बनाना चाहिए, तो लोग दीवारों पे भी जाके 5 फुट बढ़ा के घर बना रहे। अब इसमें प्रशासन या नगर सेवक की क्या गलती है रफीक भाई? बेशक बेशक सही है। पास हुआ है, टेंडर हो चुका है, 9 करोड़ का कुछ टेंडर है 3 नाले का बड़ा। अच्छा। तो मैंने लोगों को खुद कहा कि देखो जिस टाइम ये नाले का काम चालू होगा यहाँ से लेके वहाँ तक जितने नाले घर के ऊपर है दीवार के ऊपर उनके 5-5 फुट तोड़ना पड़ेगा, जरूरी है, ना तो नाला बनेगा नहीं, या तो फिर नाला 10 फुट और कम कर दो तो फिर क्या मतलब निकलेगा। बराबर सरकार, आज हमको जो सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही पूरे पहाड़ का पानी इसी नाले से आता है, इलाके का पानी इसी नाले से आता है। अगर ये अगर चौड़ा नहीं रहेगा रफीक भाई तो आज ये बारिश में पानी भरे, फिर लोग ये चिल्लाएंगे कि बारिश में पानी भर जा रहा है इलाके में। लेकिन कुल मिलाकर आप जो नाला बनेगा इससे 5 फुट तुम खुद अपने घर को 2 फुट कम कर लो ताकि लोगों को सहायता मिले, आराम से रहे, प्रशासन को भी आराम रहे, लोगों को भी रहे और हम भी रहे। साधारणतः एक लोड बेरिंग ग्राउंड प्लस वन का जो स्ट्रक्चर है जो नाले के बाजू में था, वो उसकी जो दीवार थी नाले की तरफ की वो धस गई। जैसे हमको फ़ोन पे खबर मिली तो हमारा जो अतिक्रमण पथक है वो यहाँ पे तुरंत पहुँच गया, कोकलन मशीन के साथ अभी
जो धोखादेक पोर्शन है, जो धोखादेक मकान है उसका जो दीवार गिर गई, वो धोखादेक पोर्शन निकालने का काम अभी चालू है। और इस दुर्घटना में किसी को कोई इंजरी हुई नहीं, कोई नहीं, क्योंकि ये मकान जो है ये कम से कम 20-25 साल पुराना है और ये कम से कम 6 महीने से खाली था। खाली था, खाली होने के वजह से आदमी जो कोई नहीं रहता था, इसलिए कोई जो जीवित हानि बोलते हैं हाँ। वो कोई स्तर की हुई नहीं, हुई नहीं है। ये जो मकान है 20-25 साल पुराना है, साधारणतः 90 या 92 ईयर का है, कम से कम इसको 20-25 साल हो गए। और ये जो इलीगल है नाले के बाजू में, तो इसको हम किसी तरह का भी पुनर्वसन हम नहीं करेंगे।